चलो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट सीख पढ़ने वाले हैं हम लोग। ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, होती क्या है। देखिए, हम सब जानते हैं कि एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, एफिशिएंसी निकालते कैसे हैं। बेटा, एज फॉर एज द नेम इज कंसर्न, एफिशिएंसी क्या है? एफिशिएंसी कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर। किससे डिनोट करते हैं? आउटपुट पावर क्या होती है बेटा, ये वर्ड समझ लो, आउटपुट पावर। आउटपुट पावर आपका जो आउटपुट पावर है वो होता है V2 I2। आउटपुट में वही था कि नहीं, cos φ2। और आपका इनपुट पावर क्या होता है देख लीजिए बच्चे। हाँ, इनपुट पावर ये क्या होता है आपका, V1 I1 cos φ1। यही था इनपुट और आउटपुट पावर। तो मैंने क्या बताया बेटा, इट इज अ रेशियो ऑफ, क्या है, इट इज द रेशियो। रेशियो है भैया, किसका रेशियो है सर, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, इसका रेशियो है। किस क्या है एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय द ईटा, ईटा से डिनोट करते हैं। अब यदि हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो कैसे करेंगे बच्चे, देखिएगा, ईटा इक्वल टू V2 I2 cos φ2 अपॉन V1 I1 cos φ1, ठीक है। ये हमारा हो गया, इसके बाद देखेंगे इनटू, यदि मैं 100 करता हूँ तो ये मेरा परसेंटेज हो गया एफिशिएंसी। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? चलेंगे उसके बाद देखते हैं। अब हमारे पास जो इनपुट पावर है उसको कैसे अपन निकालते हैं, कि पावर इनपुट, जो आपका पावर इनपुट है, ये इनपुट पावर है, इसको कैसे लिखेंगे कि पावर इनपुट आपका किसके इक्वल होगा बेटा, बताओ मुझे, किसके इक्वल होगा? आउटपुट प्लस लॉसेस, किसके इक्वल होगा? आउटपुट प्लस लॉसेस। तो पावर आउटपुट प्लस लॉसेस कैसे, देखिएगा, जैसे आपके इनपुट में यदि 230 वोल्ट आ रहा है ट्रांसफार्मर के, और आउटपुट में तो आपको 230 नहीं मिलने वाला, लगभग 210 मिलेगा। तो 210 क्या होगा, आउटपुट होगा, और 10 क्या होगा, लॉस, 10 वोल्ट का लॉस हो गया। इसलिए इनपुट पावर, टोटल इनपुट पावर किसके इक्वल होगी, आउटपुट पावर प्लस लॉस के। तो मैं इसको यदि इस तरह लिखूं तो मेरा जो ईटा है बेटा, देखो ध्यान से, जो ईटा है, ईटा कैसे लिखूंगा बेटा, ध्यान से देखना, V2 I2 cos φ2 अपॉन, ध्यान से देखिए, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, आउटपुट प्लस लॉस। तो आउटपुट पावर क्या है, V2 I2 cos φ2 आउटपुट पावर हो गई। लॉस कौन से थे सर, आयरन लॉस होता है और कॉपर लॉस होता है बेटा, मैं बताऊंगा इसके बारे में भी। तो आयरन लॉस और कॉपर लॉस, ठीक है, ये आपका आ गया, ये आपने लिख दिया। बस अब आपको क्या करना है, देखिए, ये आपका हो गया। यदि परसेंटेज में कोई पूछता है तो इनटू 100 कर दीजिएगा, यदि परसेंटेज में नहीं है तो आप डायरेक्ट इसको निकाल लीजिए। और एफिशिएंसी यदि मुझे निकालना है यदि, तो परसेंटेज में ही निकलेगी, तो इसलिए मैं इसका मल्टीप्लाई किसमें कर देता हूँ, 100 में, 100 का कर देता हूँ। अब V2 I2 क्या है बेटा, इसको हम VA रेटिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं VA रेटिंग। क्या बोलते हैं? VA रेटिंग। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कैसे लिख रहा हूं मैं, इसको लिखूंगा VA रेटिंग, VA रेटिंग cos φ2 अपॉन VA रेटिंग cos φ2 प्लस PI प्लस PCU इंटू 100। ये आपका हो गया बेटा, ये क्या हो गया आपका, एफिशिएंसी। ये क्लियर है, आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए अब हम निकालेंगे हाउ वी विल गेट द मैक्सिमम एफिशिएंसी, क्लियर है। चलिए,